जोगिंदर नगर उपमंडल के हराबाग गांव की बेटी ज्योति 8 अगस्त 2021 को अपने ससुराल से गायब हुई थी। एक महीने के बाद उसका शव जंगल में बरामद किया गया। आज 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ज्योति के कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ज्योति के माँ बाप ने आज तक पुलिस से प्रशासन तक का दरवाजा खटखटाया, सिर्फ जूते ही घिसे, बाकी कुछ नहीं हुआ। दो बार मुख्यमंत्री के दरबार में मृत ज्योति की माँ बाप पहुंचे तो वहां से मायूसी ही मिली, लेकिन जहां तक सांस है बेटी के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। आंखों में आंसू के साथ दुखी माँ सावित्री ने ये भी कहा कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी बेटी के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी पता नहीं। पुलिस के छानबीन के बाद सीआईडी को केस मिला, लेकिन उन्हें भी अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली। ज्योति का शव 1 महीने के बाद क्षत भिक्षक मिला। शहर में प्रदर्शन हुए, अपनी राजनीति चमकाने नेतागणों ने उन्हें हर विश्वास दिलाया था पूरा मामला उनके सामने होगा, लेकिन ना जाने कौन सा सांप सूंघ गया है जो आज तक उन्हें एक भी जानकारी नहीं मिली। स्थानीय विधायक प्रकाश राणा सहित प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम की वाणी से तो पूरा विश्वास ही उठ गया है। वहीं प्रश्न भी किया कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या वे भी 9 महीने तक कार्यवाही का इंतजार करेंगे। सावित्री देवी ने कहा कि मैं हूँ, मेरा नाम सावित्री देवी है और इस ज्योति की हत्या जो पिछले 2021 में 8 अगस्त को ब्राहड़ू में हुई थी, तो मृतिका का शव उसका जो है 1 महीने के बाद जंगल में मिला, तो उसका आज तक इतने वो किया हमने किसी के पास हर गुहार लगाई पर हमें कोई भी वो नहीं मिला आज तक। जैसे कि मैंने किम्फाल से कितने बार वो दिए कि भाई सर इसका भी आगे कोई कार्रवाई करो, कुछ है क्या है, हमें आज तक कोई डीएनए रिपोर्ट ना कोई कुछ ना मेडिकल का कोई कुछ नहीं बताया। तो हमें सुनने में आता है कि जैसे कि भाई कोर्ट में लगा है कि इसका है, जब हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं बताया गया तो कोर्ट में कैसे चला गया। मैं नहीं मानती इस बात को, मुझे ऐसा है कि मुझे किसी से भी उम्मीद न रही है। स्थानीय विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से मिली 2 बार, तो उन्होंने भी इस बात को टाल मटोल में ही रखा है। न जाने ऐसा लगता है मुझे कि उन मंत्रियों की भी तो घर में बेटियां होंगी, अगर जैसे मेरे बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो आने वाले समय में अगर उन किसी की बेटियों के साथ ऐसा होगा तो क्या मेरे जैसे बैठे रहेंगे 9 महीने तक इंतजार करने। अब मैं गुहार लगाऊँ तो किससे बात लगाऊँ। सब्र इतना था कि जितना कि मैंने सोचा कि उन्होंने कहा कि भाई हाँ नहीं हम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने इतने इसमें डाला, हमें अंधेरे में रखा और आज तक क्या किया सब झुक बैठ गए हैं, किसी को ही नहीं है। और मुझे पूरा एक हो गया, विश्वास खत्म हो गया मेरे अंदर कि भाई अब उसका होना ही कुछ नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूँगी, भले ही चाहे मुझे अपने प्राण त्यागना पड़े, पर ऐसा है कि भाई सारी जितनी बेटियां हैं इन बेटियों को ससुराल जाना एक परंपरा बनाई है, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आने वाली बेटियों को हम कहाँ क्या करेंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है एसडीएम साहब जी और मेरे स्थानीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी, मैं गुहार लगा के थक गई हूँ। बाकी ऐसा है कि आपके घर में भी बेटियाँ होगी, शायद मेरी बेटी का कोई इंसाफ नहीं देना होगा, तो इसमें मुझे हाँ और ना में जवाब दिया जाए। बाकी यही ये करना चाहती हूँ। बाकी लड़का कहता है कि मम्मा जी मेरी दीदी को खोया गया तो किस वजह से खोया गया, हमें यही चाहते हैं कि भाई इसका हमें जल्दी से जल्दी कोई उत्तर मिले। बाकी हम हर रोज़ इंतज़ार करते हैं कि आज हमें कोई वो कुछ मिलेगा, तो हमें दिन महीने साल बीतने वाला है पर हमारे हाथों में अभी तक कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे भटकी हूँ दिन रात कि भाई वो मेरी लड़की है या क्या है या कोई पत्थर था कि जिसे इधर उधर ऐसे ही डाल लिया।